कितनी बड़ी फेरबदल हुई है, जो सिटिंग एमएलए थे वहां पे जिनको दादा गौतम के नाम से जाना जाता था, बीजेपी के कदे जो टिकट बीजेपी की पकड़ना भी पसंद नहीं कराया करता जब बीजेपी की हवा कौन थी हरियाणा में। इलेक्शन के साथ साथ पता है लोगों की जो धड़कने हैं ना वो तेज हो रही है, इलेक्शन के अगले अगले इंजेक्शन भी चल रहे हैं। धीर पनिहार जो है वो अपर है फिलहाल, बाकी तो आने वाला वक्त बताऊंगा, फिलहाल जो है वो अपर एंड पे हैं। तरुण जैन और गौतम सरदाना किसका नुकसान कर रहे हैं? ये नेचुरली बीजेपी का करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो मेयर बीजेपी का था बड़ी बात इसने वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। और कुलदीप ने गुण के ऊपर भरोसा रखते हुए और वफादारी निभाते हुए सीटें मांगी बीजेपी से, मेरे को ये सीटें दे दो, और वही उसी का नतीजा है कि आप देखोगे कि इस सीट को बदला गया। ऑर्डर 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 ऑर्डर। तो भाई गौर से देखिए इस वकील को, ये वकील जो है आज जज बन गया। कौन सा जज बन गया? संसार क्रांति की देसी अदालत में वकील बाबा बने जज। तो जज साहब राम राम आ जाओ दर्शक ने। सब ती भाई राम राम। संसार क्रांति देखने वाले जितने भी दर्शक हैं भाई, मेरा एडवोकेट मनोज कुश वकील बाबा का दिल से और दिल की गहराई से राम राम। राम राम तो ठीक है, नाम है मनोज कुश, जो खुद तो रहता हमेशा खुश, लेकिन मारे पर ज्ञान है दे दे दुख, मारे पर ज्ञान दुख, मारे आंकड़े और कांकड़े सारे गणित तुम्हारा खराब कर दिया। और वकील बाबा का दावा है कि बहुत कुछ हरियाणा की राजनीति में भूचाल आने जा रहा है। तो हम ये देखो भाई, उराना देखो, कैमरामैन फोकस करो, ये जो है कानून की देवी है, जो इसके दोनों तराजू थोड़ा फोकस कर दे भाई, नज़दीक से दिखा दे, दोनों तराजू बैलेंस्ड हैं, लेकिन जो वकील बाबा का जो दावा है उसमें कहीं ना कहीं लोचा लगे है मनोज भाई। मतलब बड़े बड़े दावे करे जा रहे हैं। दर्शकों ने थोड़ा सा बता दिया कि पूरा हरियाणा में जिस तरह इलेक्शन चल रहे हैं, बोले पता ही होगा आपको, बेरा आपने बिल्कुल बेरा है के बेरा है। इलेक्शन के साथ साथ पता है लोगों की जो धड़कने हैं ना वो तेज हो रही है, इलेक्शन के अगले अगले इंजेक्शन भी चल रहे हैं। तो हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ रहा है इन दिनों में। और भाई कोई तो नुकह है बोले बीजेपी सरकार बनाओगी, कोई नुकह कांग्रेस सरकार बनाएगी। और भाई भूपेंद्र हुड्डा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दीपेंद्र हुड्डा की बात करा एडी तले के चोटी तई का जोरदार रखा है, और न्यूनतम बीजेपी की बात करा तो भाई उन्हें भी कोई कोर कसर छोड़ को नहीं रखी। फिलहाल मारा द्वारा जो लेखा जोखा है, मारा द्वारा जो लेखा जोखा है, कर्मो भाई की बात करा या फिर मैं अपनी बात करूँ या वकील बाबा की बात करा, आज गणित की मैचिंग करांगे। क्योंकि ये नुकह है बोले फलौनी जगह पर बीजेपी आ गए है, दिखड़ी जगह पर कांग्रेस आ गए है, तो भाई कुछ गणित मन ने जोड़ तोड़ कर रखा है। गले गले उत्तर की पड़ताल करांगे भाई किसकी मैचिंग हुआ है। बहुत बड़ी बात है, जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं, गेला गेला वीडियो ने शेयर भी कर दे रही हो, सवा शेयर भी कर दे रही हो, गब्बर शेयर भी कर दे रही हो और बब्बर शेयर भी कर दे रही हो। हाँ जी मनोज भाई। हाँ जी। क्योंकि आप इसार की पीएचडी आपने कर रखी है। हाँ जी बिल्कुल। इसार की जो विधानसभा सीट है कित गया, कागज खो गया कित गया, क्लियर कर दूं थोड़ा। हाँ, हाँ, ना जमा पूरा साफ है। अच्छा हाँ। किसका साफ हो गया? देखो पहले जो बात कराएं भाई फैक्ट्स के साथ बात कराएं, बिल्कुल जितने आंकड़े रहेंगे ना वो आप है ना बिल्कुल मैच कर लियो, वही आंकड़ा आज के दिन स्टैंड करता हुआ मिलेगा। वो आंकड़ा किसका ऊपर काकड़ा बनेगा ये पता लगाएगा। अब आ जाओ भाई पहला, इसार की जो है ये एक लोकसभा सीट है इसार भाई, और लोकसभा में 9 विधानसभा सीटें आती हैं। बिल्कुल जी। और पर्टिकुलर अगर बात करें इसार डिस्ट्रिक्ट की, इसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 आपकी विधानसभा सीटें आती हैं। ठीक बात है। जिसमें से 2 अलग से जो विधानसभा सीटें हैं, एक भिवाणी की जो भवानी खेड़ा की सीट है वो इसार लोकसभा का पार्ट है। बिल्कुल। एक जींद की जो उचाणा की सीट है वो भी क्या है, इसार लोकसभा का पार्ट है। हाँ तो मारे जो आंकड़े हैं भाई, जैसे अपना एनालिसिस करेगा, एक तो 7 सीटा की इसार की बातें कर सकते हैं जिले की, अगर विधानसभा की बात करें सारे की मनोज तो, भाई थोड़ा सा बता दे दर्शक बेसब्री से बाट देखने लग रहे हैं, सीधी बात है इसार इसार गौर फरमाइएगा, इसार की सीट पे बताइएगा कौन आगे है। देखो इसार की ओपिनियन पोल है, थोड़ा दर्शक ने भी बता दे भाई, एग्जिट पोल नहीं है ये, फिलहाल जो ओपिनियन पोल है, मनोज भाई ने भी अपने सूत्र छोड़ रखे हैं फील्ड में, और भाई संसार क्रांति की जो टीम है वह भी मेहनत कर रही है, ओपिनियन पोल में क्या लिखकर कांड लग रहा है बताओ जी। देखो जी ऐसा होता है क्योंकि जो राजनीति जो होती है या चुनाव होता है वो डे बाय डे क्या होता है, चेंज होता है। बिल्कुल। जैसे उम्मीदवार क्या होता है, अपनी जो रिप्रेजेंटेशन देता है, जनता की जो आवाज बनने का काम करता है, जनता ही क्या करती है उसको ऊपर लेके जाती है और दूसरे को क्या करती है, नीचे ले जाने का काम करती है। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप अपने मुद्दे पे आ जाते हैं भाई। पहला जो सीट है इसार की, इटसेल्फ हिसार जो
विधानसभा सीट है बताओ जी, वो सीट आज के दिन, जैसे पहले अगर मैं बात बताऊं, पिछले 10 साल से जो स्टैंडिंग यहाँ पे विधायक रहे हैं या हम कहे मंत्री रहे हैं, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, बिल्कुल तिबारा तीसरी बार भी बीजेपी ने उनके ऊपर दाव खेलने का काम किया है, बिल्कुल टिकट दे दी, जिससे कि जनता के अंदर रोष है। अच्छा, उनके खुद के अंदर जितने भी कैंडिडेट थे, अगर मेयर की बात करूं, जो हमारे खुद के यहाँ इसार से मेयर थे गौतम सरदाना जी, वो भी क्या थी, टिकट के दौड़ में शामिल थे। बिल्कुल। दूसरी जो बात करूं वो थे हमारे, अगर जैन साहब का नाम सुना हो तो आप लोगों ने, वो भी क्या चीज था कि भी टिकट की दौड़ में शामिल, तरुण जैन। तीसरे जो थे हमारे, जो इंडिया की रिचेस्ट पर्सन जिसको हम लेडी सावित्री जिंदल जी, जो कि पहले से ही क्या है बहुत ही उद्योगपति रहे हैं, और साथ के साथ इनका राजनीति से बहुत गहरा संबंध रहा है, जो इनके हस्बैंड है, आप किसी को, आप ओम प्रकाश जिंदल जी को कोई नहीं बुला सकता, सारे नाम जाने, बिल्कुल। ऐसे ही क्या है नवीन जिंदल, जो कि खुद भाजपा की लोकसभा सीट कुरुक्षेत्र से आज सांसद है। ये बड़ा रोचक मुकाबला है ये। हाँ, ये जो चीज है ना, तो ये कुछ ऐसी सीटें थी जिससे कि जनता की क्या थी, नाराजगी थी अपने डॉक्टर कमल गुप्ता जी से। तो जनता क्या चाह रही थी कि बीजेपी कुछ ऐसी सीट दे जिससे कि ऐसी टिकट ऐसे बंदों को दे जिस चेंजेस आ रही थी, लेकिन दोबारा से बीजेपी ने उन्हीं के ऊपर दाव खेला है, ये इसके लिए नेगेटिव है। और उसके अंदर भी क्या है, आप देखोगे जो और निर्दलीय उसमें आगे लिस्ट में, जैसे अगर गौतम सरदाना जी ने भी क्या किया है और निर्दलीय में इसमें अपना नामांकन दाखिल किया, उसके बाद तरुण जैन ने किया, तरुण जैन और गौतम सरदाना किसका नुकसान कर रहे हैं, ये नेचुरली बीजेपी का करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो मेयर बीजेपी का था जिसने, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। और तीसरी, इसमें बीच में से जो निकलने का काम करेंगे वो हमारे सावित्री जिंदल जी करेंगे, ये चीज है। दूसरी चीज, अरे कुछ ना होता, जब एक्साइटमेंट की बात होती है ना, उसमें दूसरी चीज क्या चीज है कि सावित्री जिंदल जी के पास जो वर्कर्स की है वो पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और साथ के साथ क्या चीज है, ये सीट थोड़ी सेफ मान रहा हूं, निर्दलीय के खाते में जाती है, निर्दलीय है सावित्री जिंदल, उसी के खाते में जाती है। देखो भाई, देखो ये जो है ना उत्तर की पड़ताल, कैमरामैन फोकस करो, मतलब मारे और मनोज भाई के आंकड़े के ऊपर भिड़न लग रहे हैं, सावित्री जिंदल और एरो का निशान हमने ऊपर कर रखा है, यानी कि संसार क्रांति की जो ओपिनियन पोल है उसमें सावित्री जिंदल ऊपर है, और वकील बाबा मनोज भाई का जो सर्वे है वो भी यही कहा है। इसके बाद जी दूसरी जो सीट आती है, क्योंकि हिसार एक पूरा क्या है शहर है, हिसार शहर 3 विधानसभाओं को कवर करता है, पहली हिसार ऑलरेडी हमने बता दी, कुछ पार्ट हिसार का क्या आता है बरवाड़ा हल्के के अंदर आता है, और कुछ पार्ट क्या चीज आता है आपका नड़वे हल्के के अंदर आता है। तो पहली जो पड़ताल करने जा रहे हैं पहले बरवाड़ा की करेंगे, बरवाड़ा का मतलब क्या चीज है पहले मैं आपको बताऊं, बरवाड़ा जो है मैक्सिमम, देखो हरियाणा की राजनीति कास्ट बेस्ड राजनीति है, जातिगत समीकरणों पर डिपेंड करती है। लेकिन ये राजनीति वाले बनाते हैं मनोज भाई, नहीं आप इस चीज को देखो क्या चीज है, हम जब जनता की, आप भी, आपने भी क्या क्या सर्वे भी किया होगा, तो कहीं ना कहीं है कि भाई जहां आप किसी भी स्टेट के अंदर बैठे हो, विधानसभा की बात करते हो, तो वहां किसी न किसी जाति की क्या होती है आपकी डोमिनेशन रहता है, कितने ज्यादा कितने कम है, कितने मीडियम है। तो यहाँ जो बात है, अगर बरवाड़ा की बात करूं, तो बरवाड़ा से बीजेपी में जो टिकट देने का काम किया है, पहले से सिटिंग एमएलए जो नड़वा से रहे हैं, जो श्री रणबीर सिंह गंगवा, जो डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, उससे पहले राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, और उनका जनता में बहुत अच्छा प्रभाव है, नड़वा हल्के में उन्हें डोर टू डोर घर में जाना जाता था, तो वो सीट क्या दे दी उनको, शिफ्ट करके बरवाड़ा की तरफ पहुंचाया गया। और बरवाड़ा के अंदर भी अगर मैं बात करूं, देखो मैं कोई कास्ट स्पेसिफिकली नहीं कह रहा, लेकिन यहां अगर बात आती है मुद्दों की, चुनाव की समीक्षा की, तो यहां जो कास्ट फैक्टर है वो काम करेगा। यहां जो रणवीर गंगवा जी जो बिलोंग करते हैं वो कुम्हार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और वहां वर्मा की जो वोट है वो काफी वोट है। यही जो दाव खेलने का काम किया कांग्रेस ने, जो कि वहां पे जो घोड़ेला जी को, रामनिवास घोड़ेला जी को क्या दी गई टिकट दी गई, और तीसरे नंबर पे जो है संजना सातरोड़ जी, जो यहाँ पे मैक्सिमम जो वोट को करेंगे वो चीज है इनेलो के गठबंधन से, जो गठबंधन है उनसे उम्मीदवार बनाए गए। ये जो मुकाबला त्रिकोणा बन गया है, मैं पहले पहले जब स्टार्टिंग में क्या चीज थी, जब सीटें बटी थी बीजेपी की, तो लगा था कि भी
रणबीर गंगवा जी को वहां पहुंचाया गया है तो अल्टीमेटली बीजेपी को नुकसान होना है। और इस वजह से क्या पहले नंबर पे जो थी रामनिवास गोडेला की सीट को सेफ माना जाता था, और उसके पीछे भी लॉजिक क्या चीज था, वो पहले से सीटिंग वहां पे पहले एमएलए रहे हैं भूतपूर्व। दूसरी चीज एक और बात बताऊं भाई साहब, इंटरेस्टिंग आज तक का इतिहास रहा है कि बरवाड़ा के अंदर कोई एमएलए रिपीट नहीं हुआ है। अच्छा, बरवाड़ा के अंदर पहले एमएलए रह लिया, बड़ी बात है। दोबारा से अगर किसी ने भी वहां पे कंटेस्ट किया है तो वहां उसको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन रणबीर गंगवा के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये वहां से विधायक नहीं रहे लेकिन तो उनका नलुआ से रहे हैं। लेकिन इनका जो चीज है, क्योंकि इसार इटसेल्फ एक जगह है, एरिया है, जो नलुआ हल्का और बरवाड़ा हल्का का डिस्टेंस ही आपको 1 से 2 किलोमीटर के बीच का है, तो वो इनका जो एरिया है और दूसरी बात क्या चीज है कि ये बड़े सामाजिक हैं सारी चीजों को देखते हुए। तो आज पहले क्या था, जो रामनिवास गोडेला पहले नंबर पे चल रहे थे, अब आज के दिन वो क्या है, वो सेकंड नंबर पे आके अब मैक्सिमम जो है क्राउड किसकी तरफ मोटिवेट हुआ है, अपने रणबीर गंगवा की तरफ हुआ है। और तीसरे नंबर पे भी संजना सातरोड़ का नाम है और ये डे बाय डे रिकवर कर रही है दूसरे नंबर पे आने में टाइम। यानी कि कयामत के जो ये रातें हैं, ये कुछ भी समीकरण बदल सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस, इस ताक जी तीसरी सीट मोस्ट इंपोर्टेंट जिसके ऊपर सबकी नजर थी, बताओ जी, वो के थी भाई जो हमारे हरियाणा के पहले पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं चौधरी भजन लाल जी, जो यहाँ हिसार में उनका गढ़ माना जाता था, चाहे वो आदमपुर की बात कर ले, हिसार की बात कर ले, नलुआ की बात कर ले, नलुआ आदमपुर का ही पार्ट होता था पहले। बिल्कुल, तो जो ये सीट थी ये सेफ सीट मानी जाती थी किसकी, भजन लाल जी की। तो उनके पुत्र हैं हमारे कुलदीप चौधरी, कुलदीप बिश्नोई जी, कुलदीप बिश्नोई भजनलाल जी के पुत्र हैं, और उनके पुत्र जो अभी सिटिंग एमएलए रहे हैं आपके, वो भव्य बिश्नोई जी हैं। तो तीसरी पीढ़ी आप इसमें राजनीति में देखते दादा ले पोता बरता है। यस, यानी इसने कहा पर दादा ले पोता बरता है। देखो ज्यादा घुमावा कौन बात आती, सीधे तरीके से आ जाते हैं। जब बीजेपी के साथ में चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने यहाँ ज्वाइन किया था, तो इनके बहुत ही करीबी जो 35 साल से इनकी सुख दुख के साथी रहे, जो कि रणधीर सिंह पनियार जी, जो आपने, मैं आपको बात करूं, जनता के बीच में रहने वाले और अच्छे जमींदार और लोगों की सारी दुख सुविधा दुख और जितने में आने वाले आदमी, उन्होंने क्या चीज है, कुलदीप ने उनके ऊपर भरोसा रखते हुए और वफादारी निभाते हुए सीटें मांगी बीजेपी से, मेरे को ये सीटें दे दो। और वही उसी का नतीजा है कि आप देखोगे कि इस सीट को बदला गया, जो सिटिंग एमएलए, जो डिप्टी स्पीकर जिसका बहुत बड़ा नाम है, देखो ये बड़ी बड़ी बड़ा गणित तो एयरफेयर हो गया, ये एयरफेयर है। लेकिन क्या चीज थी, जहां सेफ सीट थी कोशिश तो हुई, लेकिन दोबारा से क्या चीज है कि भी लोगों को लगा, क्योंकि यहां भी जो वोटिंग का परसेंटेज है वो बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर था, जैसे कि क्या चीज है, यहां जाटों की वोट है वो बहुत ज्यादा है जो कि मैक्सिमम, और किसान जो आंदोलन हुआ था उससे बीजेपी क्या चीज थी, थोड़ी सी नेगेटिव में जा रही थी, तो जो वोट आपने, जो कांग्रेस ने जो टिकट दी थी बहुत सोच समझ के यहाँ पे बांटी थी, लेकिन उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा, जो दिग्गज नेता थे ना कांग्रेस के, अच्छा, वो नाराज हो गए वो नाराजगी का उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जहां पे आपने दयासंपत सिंह ने भी निर्दलीय अपना पर्चा दाखिल कर दिया था, लेकिन आज जो पोजीशन है कि रणधीर पनियार जी एक नंबर पे चले। भाई देखो भाई, यहां पे उत्तर की पड़ताल कर सको हो, और जो संसार क्रांति का देसी ओपिनियन पोल है उसमें भी रणधीर पनिहार जो है वो अपर है फिलहाल, बाकी तो आने वाला वक्त बताऊंगा, फिलहाल जो है वो अपर एंड पे है। ये थी बस तीन सीट कौन कौन सी, अपनी इसार की। अब दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट सीट है, जो हॉट सीट के रूप में मानी जाती है इसार के नियर बाय, अगर मैं बात करूं, वो है हमारे नारनौंद की सीट। नारनौंद देखो कितनी बड़ी फेरबदल हुई है, जो सिटिंग एमएलए थे वहां पे जिनको दादा गौतम के नाम से जाना जाता था, बीजेपी के कदे जो टिकट बीजेपी की पकड़ना भी पसंद नहीं करा करते, जब बीजेपी की हवा कौन थी हरियाणा में, वो बंदे उस टाइम में इकलौते क्या चीज है उसके बीजेपी की टिकट से इलेक्शन लड़ते थे, और एक अनिल विज जी जो कि एमएलए बनते थे, तो वो बंदे पुराने बीजेपी होते हुए पार्टी को छोड़ के दोबारा से वो जेजेपी से क्या बने, यहां से विधायक बने, और उनकी सीट को बदल के जो दिया गया, जो पहले से 2014 में हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी जो कि बहुत वित्त मंत्री रहे हैं और बहुत ज्यादा महकमे उनके पास रहे हैं, यानी कि मनोज भाई बहुत बड़ा उलट फेर जो अर्थ किया गया है, सीटिंग विधायक को सफेदों में जापट किया, और उरान तय है कैप्टन अभिमन्यु की एंट्री, बीच का एक गैप जुगरो पेपर देने है नहीं वगैरह, एक साल का गैप वगैरह जुगरे, पांच साल का गैप, और उसके बाद जो बहुत सारी चीजें थी जिनको शायद दर्शक भूल भी गए होंगे, तो इस कारण से फिलहाल जो है कैप्टन अभिमन्यु
को दिया गया था। इसमें देखो क्या चीज, एक बात सुनी हुई, तुरंत का लिप्या उड़ ज्यादा दिखा करे, तो भाई गवर्नमेंट जो अभी ऑलरेडी काम कर रही है ना, उसकी अच्छाइयां भी दिखेंगी, बुराइयां भी दिखेंगी, लेकिन क्या अच्छाइयां कम दिखती है, बुराइयां ज्यादा दिखती है, लोग बुराइयों को ज्यादा पकड़ते हैं। हालांकि मनोज भाई जस्सी पेटवार जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उस पे मजबूत प्रत्याशी थे, बहुत यंग यूथ उनके साथ इतनी जुड़ी हुई थी, बहुत अच्छा। और एक नानुंद का एक दुर्भाग्य रहा है आज तक का, जब भी किसी की सरकार बनी है ना, सारे अपोजिशन के क्या होते हैं, वहां मैले बढ़ते उल्टा रहे। एक सिर्फ 2014 में पहली बार ऐसा हुआ था कि भाई वहां पे जब बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी के ही क्या थे वहां विधायक थे, और बहुत स्ट्रोंग वाले क्या थे वो मंत्री थे, तो जिनके पास ज्यादा ज्यादा मैक में थे। इसका मैं यूं कहना चाहूं, कैप्टन अभिमन्यु अगर हारते जीते तो अपोजिशन में बैठेंगे ना। देखो वो गलत जा रहे हो आप इस चीज को मत। देखो 2014 में वो सरकार के साथ थे, और सबसे बड़ी बात जो पॉजिटिव, अगर जनता की बात करूं, देखो पीछे क्या था कि देखो जस्सी भाई का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, अगर हल्के की बात करूं तो यूथ तक जाने का, और सब बहुत मेहनत की उन्होंने, उसी मेहनत का नतीजा है कि जो एक दिग्गज नेता, जो कि खुद प्रदेश अध्यक्ष के बहुत ही करीबी माने जाने वाले डॉक्टर अजय चौधरी जी की टिकट कटवा के और उड्डा गुट ने इसको टिकट देने का काम किया, ये बहुत बड़ी एक अपने आप में जीत का काम करती है, जीत का काम। तो लेकिन उधर से कुमारी सेलजा के चहेते रहे हैं, वही तो नेगेटिव है। अब जो पोजीशन जो आ रही है ना कहीं उसका खामियाजा जस्सी पेटवाड़ को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, जैसे अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर आपकी एससी समाज जो है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या चीज है, कांग्रेस से दुखी है, क्योंकि जहां तक टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो कुमारी सेलजा को अनदेखा किया गया, और उसी का नतीजा ये रहा कि भाई लोग है ना ज्यादा से ज्यादा क्या कांग्रेस से टूटे हैं और बीजेपी की तरफ क्या है जुड़े हैं। तो यहां जो सीट की बात है, लोग 5 साल के जो काम ने अपने नानुंद की है ना कायाकल्प करने का काम जो किया था, इतना अपने कैप्टन अभिमन्यु जी ने जो काम किया था 2014 से 19 के बीच में, वो काफी कोई गवर्नमेंट नहीं करा पाई थी। तो यहाँ जो सो का तोड़ नहीं होता, डंके की चोट पे और छाती ठोक के नहीं होता, नानुंद में पिछले 5 दिन की बात, पिछले ही बात करूं तो जस्सी पेटवार जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो ऊपर थे, लेकिन अब जो नया सर्वे निकल के आ रहा है, आज के दिन पहले नंबर पे बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु क्या कर रहे हैं, अपने आप को आगे कर रहे हैं। ये देखो एक नारनौंद जस्सी पेटवाड़ और कैप्टन अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु फिलहाल जो देसी ओपिनियन पोल है उसमें बढ़त बनाए हुए हैं, ये संसार क्रांति का अगली जो सीट है वो है भाई अपनी हांसी की सीट। हांसी पहुंच गए भाई, बताओ जी हांसी। हांसी भी बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है। यहाँ दो कैंडिडेट हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है। पहले तो जो पहले सिटिंग एमएलए जो बीजेपी की तरफ से हैं, हमारे म्याणा जी, विनोद म्याणा जी, और दूसरे नंबर पे राहुल मक्कड़ जी, बिल्कुल, जो कि वो भी पॉलिटिक्स के अंदर बहुत अच्छा नाम रखते हैं, लोगों की सिंपैथी बहुत है उनके साथ में, और लोगों के साथ जुड़ाव भी बहुत है। मनोज भाई जिनकी तो टिकट भी हमने पहले डिक्लेयर कर दी थी, तो जो सेफ थोड़ा सा यहाँ पे आज मैं आपको बात करूं तो दोनों की अगर पैरेलल की बात करूं, थोड़ा सा ऊपर आज राहुल मक्कड़ जो है, मक्कड़ साहब की क्या है पोजीशन स्ट्रॉन्ग पड़ती है एज कंपेयर टू विनोद बैना। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं भाई, हिसार डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो हिसार में दो ही ज्यादातर पार्टी क्या कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है, जो अपनी नेशनल पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस, और बहुत सारी सीटों पे आप देखोगे जैसे कि भाई को पीछे ही नैलो ने अपना पूरा अस्तित्व ही खत्म कर दिया था, लेकिन इतनी जबरदस्त रिकवरी करी है नैलो ने, 4 से 5 सीटों के ऊपर पूरे हरियाणा के अंदर आज क्या चीज है, नैलो अच्छा काम कर रही है, ये बढ़िया बात है। आंसी खत्म भाई, आंसी में हसनगढ़ बड़ी बात है। अब अगली अच्छा देखो दिखा भी देवा फिर, हमने भी इसमें फाइट दिखा रखी भाई हांसी में, राहुल मक्कड़ और विनोद बेहना के बीच में कम देखोगे तो पैरलर यानी कि बराबर कांटे की टक्कर, ये बाजू आदमपुर जी, आदमपुर ये बहुत ही मैं बताया भाई ओट सीट के रूप में जाना जाता है और सेफेस्ट सीट मानी जाती थी भाई कुलदीप बिश्नोई जी की, जब से अगर पॉलिटिक्स की बात करूं स्टार्टिंग में आज तक की इस सीट के ऊपर कोई जीत नहीं पाया, सिर्फ भजनलाल परिवार जी का ही क्या रहता है इसके ऊपर कब्जा रहता है, तो उसी श्रृंखला में पहले जाए भजनलाल से लेके आप बात करें, उसके बाद में कुलदीप बिश्नोई जी, उसके बाद में अपने अब भव्य बिश्नोई ने बाई इलेक्शन देखो अगर देखा जाए, जेपी जी अपने बहुत, जयप्रकाश की बात करूं तो बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ने के बावजूद भी, मतलब उनका इलेक्शन लड़ने का तजुर्बा, लोगों से इंटरेक्शन का तजुर्बा बहुत है, और हिसार की लोकसभा आप भी आपने देखा उनका बड़ा वो रहता है, मतलब प्रभाव रहता है, तब भी भजनलाल
का परिवार आज भी उसी सीट पे काबिज है। और रही बात अब भी भव्या बिश्नोई की पोजीशन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जा रही है एज कम्पेयर टू चंद्र प्रकाश वर्मा, लेकिन रिकवरी हो रही है, कोई चीज इसको फाइनल ना समझा जाए ये क्या चीज है, डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है चीजें। मनोज भाई यार अभी हमने कुछ भी नहीं लिख रखा जाए थे, ये देखो भाई इसमें हमने कुछ भी नहीं फाइनल कर रखा भाई, कांटे की टक्कर है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, मामला ये है कि भाई कुछ भी हो सकता है आदमपुर वाली सीट पे। हाँ। तो मनोज भाई अगली सीट रहेगी जी एक और रह गया कुछ उच्चारण उकलाणा की सीट है, उकलाणा अपनी रिजर्व सीट है भाई, और उकलाणा के अंदर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ सकती है। अच्छा जी, उसके पीछे लॉजिक क्या है, सबसे बड़ी चीज तो क्या है, पहले से जो सिटिंग में एमएलए रहे और साथ के साथ क्या चीज है मंत्री रहे श्री अनूप जी, अनूप जी ने क्या चीज है इस सीट से बीजेपी ने एक दाव खेलने का काम किया, वो इनके लिए नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि पीछे जो चीज थे ये जेजेपी के विधायक भी थे और मंत्री भी थे, और काफी जो अगर बात करूं मैं दिग्विजय और दुष्यंत के बड़े करीबी माने जाते थे, और उन करीबी के चक्कर में आपने देखा होगा कि जो दादा गौतम वाली बात कहते हो वहां भी करीबी आ गई, सोच के चलो उसका नुकसान क्या चीज है बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, और यहाँ से जो नरेश सेलवाल जी हैं वो आज के दिन विनिंग कैंडिडेट। चलो भैया देखो भाई उत्तर की पड़ताल होने लग रही है, उकलाणा विधानसभा से नरेश सेलवाल का जहां एरो का निशान जो है देशी ओपिनियन पोल में ऊपर दिखा रखा है और अनूप दाणा का नीचे। फिलहाल का ग्राफ है भाई, रात तो रात राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, सोचा तो नहीं था भाई 90 की 90 विधानसभाओं के बारे में धरती कुछ बताओगे, लेकिन भाई वकील साहब यानी कि वकील बाबा के पास इतना शब्दों का झंझाल है कि बताने में घना टाइम लगा, काफी रिपोर्ट है मारे भाई। अगला प्रोग्राम में धरती काफी कुछ बतावेंगे, और जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं वीडियो ने संजो कर रख लियो शेयर करके अपनी अपनी टाइमलाइन पे, यह वीडियो जब तुम चुनाव के बाद देखोगे तो बहुत काम की है, और कमेंट भी कर दियो, शेयर भी कर दियो, सवा शेयर भी कर दियो, और गब्बर शेयर भी कर दियो। तो मनोज भाई मन बेरा है चुप होने का बटन खोलने का, काफी कुछ है बताने को, तो अगले प्रोग्राम का एडी ठेठे का इंतजार करो, बाट देखो तरतीब बताओगे, क्योंकि पूरे आंकड़े आंकड़े पूरी 90 की 90 विधानसभा होगा लेखा जोखा मर्दुर है, कौन कितने पानी में है, किसके 12 बिघे में दाना नहीं है, क्यूकर के मामला है, और बसपा रिनालो का गठबंधन इस बार के कमाल करके दिखा होगा, और निर्दलियों का किस तरह से माला माल विकली होने वाली है, क्यों मनोज भाई? बिल्कुल बिल्कुल जी। चलो भाई तब तक बने रहो संसार क्रांति का गिल्ला, और तमने के लगे है तारे कॉमेंटा का भी बड़ी बेसब्री का इंतजार रहूगा, कॉमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर लिख दियो, और कर दियो भाई वीडियो ने शेयर, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान, जय ठोको शेयर, थैंक यू।